हम आपसे पूरी विनम्रता के साथ एक निवेदन करना चाहते हैं, ईश्वर के सामने जाना है तो अपने सभी आभूषण, पद प्रतिष्ठा, अलंकार, इन सब को यहाँ रख कर एक साधारण भिक्षुक के रूप में मंदिर में जाएं। लाओ मामला जी। जी अजब दे नहीं दिख रहे, नदी पूजा में भी नहीं थी वो। वो अब अति भोर अपनी माँ के साथ महल से बाहर गई है, मंदिर में पूजा के लिए आई है। वाह क्या बात है। वैसे एक बात कह रहा हूँ मामला जी, अजब दे से संस्कारी लड़की हमने सारे राजपुताने में नहीं देखी। चलिए आइए राम अमृत जी। जी ये माला तो कुंवर प्रताप की है, लगता है उनके गले से अनजाने में गिर गई। जी जी नहीं, ये माला अजबदे की है, उनकी मां ने उन्हें ये माला दी थी। हमें याद है हम ये माला काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के मुख्य पुजारी के यहाँ से ले आए थे। शिवजी का प्रसाद है ये। नहीं राव मामरक जी, ये माला हम कुंवर प्रताप के गले में कई दिनों से देख रहे हैं, ये उन्हीं की है। ये माला? जी हाँ राव मामरक जी, यही माला। किसने जुर्रत की हमारे सिपाहियों को हाथ लगाने की? बताओ हमें, सर कलम कर देंगे उनका। शहंशाह उठ गए, इतनी सुबह आपकी नींद में खलल डालने के लिए हम माफी चाहते हैं, मगर क्या करें, मसला ही कुछ ऐसा आ गया। अपने सिपाहियों की यह हालत देखकर हम अपनी हैरानी और अपने गुस्से को रोक ही नहीं पाए। देखिए जरा, देखिए क्या हालत है। किस गुस्ताख ने हमारे सिपाहियों का यह हाल किया है? किसकी है ये चाहिए? शहंशाह वो खान बाबा, किसने किया है ये? शहंशाह दरअसल हम ही ने अपने कुछ सिपाहियों को अपने काफिले से आगे बतौर जासूस गुजरात भेज दिया था, ताकि वो हमसे पहले वहां पहुंचकर हालात का जायजा ले सकें, बता सकें कि बाकियों के हाल क्या हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाकियों ने इन्हें पकड़ लिया, बहुत जलील किया, मारा पीटा और ऐसी बेजार हालत में इन्हें हाजूर खौफ पैदा करने के इरादे से मिसाल बनाकर बाकियों ने हमें वापस जिंदा आने दिया है। माफ कीजिएगा शहंशाह, जानते हैं कि आप अजमेर होकर गुजरात जाना चाहते हैं, मगर गुस्ताखी माफ हो, गुजरात के हालात इतने संगीन हो गए हैं हमारे लिए कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना जरूरी हो गया है। ठीक है, हम अरावली वाले रास्ते से जाएंगे गुजरात। शुक्रिया शहंशाह, शहंशाह की बहबूदी के लिए हर वक्त किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तुम लोगों का इनाम। तो पहले आओ सर। जाओ
वीर प्रताप, अभिषेक आरंभ कीजिए। आइए। पिताजी कहते हैं कि जल और दूध मिल जाए तो संसार की कोई भी शक्ति ने अलग नहीं कर सकती, अर्थात आप दोनों को। हमारे कहने का अर्थ है आप दोनों की मित्रता। कहां से आ गई दाजी राज? ये तो अजब दे की माला है। अजब दे? ये आप ही की माला है ना? कैसी बातें कर रही हो अजब दे? हमें भली बातें याद है, ये माला हम आप ही के लिए काशी से ले आए थे। दादा, ये हमारी माला हुआ करती थी, अब नहीं। अब ये माला कुंवर प्रताप की है। ये शिवजी ने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए दिया। क्या? भला इसका क्या अर्थ हुआ? हंसा मासी जी, इन्होंने जो अभी कहा उसका अर्थ क्या हुआ? ये क्या कहना चाहती है? ये सब सच हुआ प्रताप, कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये माला राव जी लेकर आए थे काशी से अजब दे के लिए, और अब ये आपके पास है। अजब दे की ये माला बहुत समय पहले नदी में बह गई थी और फिर ये आपके पास पहुंच गई, और संभवतः
आपने इसे शिवजी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया, तब से यह आपके पास है। यह कोई साधारण संयोग नहीं प्रतीत हो रहा है, यह दिव्य संयोग है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। उसे जिन्हें एक सूत्र में पिरोना होता है, नियति के हाथों पिरो ही देता है। जय शिव शंभु। गौर प्रताप, अब जब आपको पता चल गया है कि ये माला अजब देखी है, तो हमें लगता है कि आपको ये माला उन्हें लौटा देनी चाहिए। दीजिए। गौर प्रताप रुकिए, ये माला हमारी नहीं, अब आप ही की है। यहाँ हर पक्ष सोच समझ कर उठाए। हम इस माला को आपको देकर इसे और भी महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। नहीं, हम ये माला नहीं लेंगे। क्या बात है गौर प्रताप? कुछ नहीं दाजी राशि, कुछ भी नहीं। चलिए। ये हमारी माला आपके पास कहां से आ गई दाजीराज? ये तो अजब देखी माला है। अब जब आपको पता चल गया है कि ये माला अजब देखी है, तो हमें लगता है कि आपको ये माला उन्हें लौटा देनी चाहिए। आपको अपनी माला वापस लेने हो गए चाहते। माला? नहीं, हम नहीं ले सकते। हमें किसी और की वस्तु अपने पास रखना अच्छा नहीं लगता। लीजिए। हमारा विश्वास करिए, ये हमारी नहीं, ये आप ही की है। राव मामरची ने स्वयं सबके सामने कहा था कि वे आपके लिए ये माला काशी से लाए थे, तो फिर ये माला हमारी कैसे हो गई जाते हैं? हम कह रहे हैं ना, आपके कहने से क्या ये माला हमारी हो जाएगी? कुंवर प्रताप, ये माला आप ही की। शिवजी स्वयं चाहता है कि ये माला आप ही के साथ हर संगत से आपको सुरक्षित रखे। यदि सुरक्षा की बात है, आपकी सुरक्षा का क्या? हमारी सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है कुंवर पिता। क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो जब हम ये माला आपको उपहार में दे रहे थे, तब इसीलिए आप हमसे ये माला नहीं ले रहे थे? नहीं, हम ये माला नहीं लेंगे। बोलिए सब। खमागणी बाउजीराज, खमागणी भाई साहब चक्रपाणी से आपसे मिलना चाहते हैं। आपको चित्तौड़ जाने की अपनी आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए।
चलते हैं। चक्रपाणी कहाँ? वे तो जब देर से मिलने गए थे। अब तक वहीं हैं। कोई आवश्यक कार्य ही होगा। बाबूजी राज। चक्रपाणी, अजब देश से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था आपका? हाँ, वो कुछ काम था बाजीराज। बाजीराज, वे भी हमारे मित्र हैं। हम आगे चाहेंगे। चुक चुक जियो कुंवर प्रताप, हम आएंगे आपके विवाह में, और हम नन्ही राजकुमार भी हमारे साथ आएंगे। और अजब दे, यदि आप स्वयं उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वे अवश्य आएंगे। हाँ कुंवर प्रताप, यदि आप कहेंगे तो अजब दे अवश्य आएंगे। राजीराज, हम अभी आए। आपके पास किंतु कुछ देर हो गई। ये क्या है? ये आपके लिए हमारी तरफ से उपहार। आप हमारे विवाह में? हमारा आना उचित नहीं है। जानते थे और फिर भी सोचा कि एक बार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कुंवर प्रताप, घोड़े तैयार हैं। राणा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आपकी यात्रा मंगल में। धन्यवाद, बहुत बहुत